नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत छे। धोरण सात अने विषय हिंदी में कविता नंबर बे तब याद तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लखेली छे। मित्रों, आपणे आ कविताना अभ्यास अने स्वाध्यायनु संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं, जे मित्रों तमने परीक्षानी अंदर खूब उपयोगी निवडशे। आ जवाबो तमे हिंदीनी नोटबुकमां पण लखी शको छो। मित्रों, आपणी चेनलमां तमाम विषयना स्वाध्याय सोल्यूशन साथे मूकवामां आवे छे, तो ए तमे प्लेलिस्टमां जई अने जोई शको छो। मित्रों, पहला चेनल अंदर प्रथम वक्त आवे छो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बाजू में आपेला बेल आइकन ने अंदर ऑल नोटिफिकेशन कर देंजो। हवे आपणे जोईशुं अभ्यास प्रश्न नंबर एक। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकल कर चारों ओर फैल जाती है। नंबर दो, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। नंबर तीन, आपको प्रभु की याद कब आती है? उत्तर, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। नंबर चार, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? उत्तर, मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाला विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। प्रश्न नंबर दो, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो अही मित्रों एक ज पक्षी छे अने अही घणा बधा छे। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है, तो आ तमारे बन्ने लखवाना रहेशे। मित्रों अही जे छे ए तमारे चित्र दोरवानी जरूर नथी। कली नहीं खीली है, कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है। तो मित्रों आ भागना बधा एक वचन छे, जयरे आ बाजूना जे छे बहुवचन छे, लड़कियां खेल रही है। प्रश्न नंबर तीन, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपने एक बे अने त्रण जे छे वाक्य बनावाना छे। जीवन है, जीवन है जल। मित्रों आवी रीते तमारे जोड़वानुं छे, जल है तो जीवन है, तो तमे एवी रीते जोड़ी शको छो। एवी रीते अहीं जे आपणने बीजा बे आपेला छे एने पण आपणे आवी रीते जोड़ीशुं। जल ही जीवन है। फूलों में रंग कौन भरता है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? तो अहीं जे आपणने आडावाळा शब्दो आपेला छे एने आवी रीते पूरीशुं। प्रश्न नंबर चार, सबसे तेज कौन? छात्रों को साथ साथ के युद्ध में बांटिए और अपने नाम में पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक, खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश और कमल। तो उत्तर, तो आपने हवे मित्रों एने शब्दकोश प्रमाणे गोठवीशुं। तो अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल और साहिल। अनुराग, कमल, खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश और तनसुख। प्रश्न नंबर पाँच, नीचे दिए गए शब्द को अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? पहला है कुक, तो कोयल की बोली। दूसरा इरादा, तो संकल्प। तीसरा तरुवर, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। चार मुग्ध, तो मोहित। और पांचवा गुजारिश, तो निवेदन। त्यारबाद हवे आपणे वात करीशुं स्वाध्याय। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। नंबर बे, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो उत्तर, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव
होता है। नंबर 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है, इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। नंबर 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो उत्तर, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं, इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, तो उत्तर आएगा, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वाला पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। नंबर 2, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। उत्तर, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छम छम की आवाज करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही है। इस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों, पहला है यहाँ सुबह, तो सुबह का होगा प्रातः काल। तेर बाद आप यहाँ दूसरा भी खोज सकते हैं, और खोजने के बाद खुशी, खुशबू, बहुत और मुस्काना जो शब्द है उसका पहला उदाहरण लिखना है, उसके बाद वाक्य बनाना है। प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। पहला है खुशी, तो आनंद, वाक्य बनेगा आज शेर में बड़ा आनंद आया। नंबर 2, खुशबू, तो सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा, बहुत, तो ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। नंबर 4, मुस्काना, तो हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बों में बिठाइए। पहले हम देखते हैं उठकर, तो ये उठकर कहाँ है, तो हम जाएंगे उठकर के पास। दूसरा है कलिया, तो कलिया के पास हम जाएंगे, तो ये है कलिया। और उसके बाद हम चांद के पास जाएंगे, तो ये है चांद। और उसके बाद हम मुस्कान, तो मुस्कान के पास जाएंगे। और मैदान, तो हम मैदान के पास जाएंगे। तो ऐसे हम डब्बे में बिठाते हैं। योग्यता विस्तार, इस कविता को कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में उसका गान कीजिए। पढ़िए चम चम, छम छम, खोल खोल, ठंडी ठंडी। उपरोक्त शब्द वाक्य में है, ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढिए। तो मित्रों, मैंने शब्द लिखा हुआ है टम टम, ढम ढम, सन सन, जर जर और फट फट। तो अहीं अपना पाठनो संपूर्ण स्वाध्याय सॉल्यूशन पूर्ण थाय छे। मित्रों, आ पछीना पाठनो स्वाध्याय सॉल्यूशन जोवा माटे अहीं क्लिक करो, अने तमे तमारा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान अथवा तो गुजराती नू सॉल्यूशन जोवा मांगो छो तो पण अहीं क्लिक करीने मेळवी शको छो। वीडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करवानो भूलता नहीं।